एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं शुभम और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉकिंग शुभ में। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे JBL पार्टी बॉक्स M4 का। इसकी प्राइसिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा और इसके स्पेसिफिकेशन जो भी है सारा कुछ सब आपके सामने ये भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें मिले हैं दो माइक, क्वालिटी वाइज बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत ही प्यारी है। तो बात करें गाइस अगर हम पोर्ट्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें माइक्स के सारे कंट्रोल मिलते हैं, लाइक माइक, बेस, ट्रेबल, इको, ठीक है। और उसके बाद में अगर आते हैं तो यहाँ पे पावर बटन है, ये लाइट की है, ये ब्लूटूथ, ये बेस बूस्ट। गाइस में तीन बेस बूस्ट आते हैं, एक नॉर्मल बिना बेस का, मतलब जैसा जो गाना चल रहा है आपका वैसा ही चलेगा। उसके बाद डीप बेस आता है, डीप बेस इसका बहुत ही प्यारा है। और एक आता है इसमें पंची, वो भी आपको भी हम सुनाएंगे। और ये अपनी बीच में प्ले पॉज की बटन है। बात करें अगर पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा दो, ये TWS का कनेक्ट है, मतलब इसमें अपन और भी दो चार स्पीकरों को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, बट JBL के ही। ऑक्स केबल मिलेगी, इससे आप चार्जिंग भी अपने मोबाइल को कर सकते हैं, लाइक पावर बैंक टाइप का इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी ऑक्स केबल की बटन कितना हुआ यहाँ पे। नीचे अपना ये चार्जिंग का पोर्ट है। तो अब हम एक बार इसे प्ले करके अब दिखाएंगे। तो इसमें इसके कुछ करना नहीं है अपने को, बस केवल कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद में इधर आ गए अपने कंट्रोल्स में ऑटोमेटिक, ये लाइट्स आ गई। हेलो हेलो गाइस, तो फिलहाल इसको हम बंद करते हैं। सो गाइस अब अपन इसमें गाने वगैरह प्ले करके आपको दिखा रहे हैं। ये है दोस्तों इसका नॉर्मल साउंड, ठीक है। अभी अब अपन चालू करेंगे डीप बेस। अब हम इसका पंची साउंड अब एक बार चालू कर रहे हैं। गाइस इसका जो लाइट शो है ये मोबाइल से कितना प्यारा ऑपरेट होता है, अभी मैं आपको वो अभी दिखाने वाला हूँ। ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सारा कुछ सब यहीं सब कंट्रोल है इसका। ये हो गई ऊपर की लाइट, ये साइड की लाइट्स, ये हो गई अपनी बीच की लाइट। अब इसमें दोस्तों इतने तरह के मतलब मोड्स आएंगे आपके, इसके अलावा भी यहाँ से आप कलर्स को आप खुद से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि कैसा क्या आपको चाहिए। ये रहा गाइस इसका अलग से इसका सेपरेट इक्वलाइजर है। ये आपका जो बेस वगैरह जो कम ज़्यादा करने का है, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चालू कर रहे हैं हम, ये डीपा है और ये पंची साउंड का है। ये आपका माइक के इफेक्ट्स वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए है।
और इसके अलावा अगर ये म्यूजिक वगैरह के चलते हुए अगर आप बीच में ये सब चालू करना गाइस ज़्यादा गाने वगैरह नहीं बजा सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको इसका दिखाऊंगा कि प्राइजिंग जो अभी चल रहा है, और मैंने लिया है जुलाई 2023 में, ठीक है, लास्ट जुलाई में मेरा ऑर्डर आया है। तो मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि कितने का अभी चल रहा है रेट और कितने रुपए का मुझे पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट। तो गाइस करेंट रेट है इसका 25,999 रुपये फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे तो अभी ये अवेलेबल ही अभी नहीं है, ठीक है। और अब मुझे कितने का पड़ा है अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। उसके बाद में 1,446 रुपये नो कॉस्ट EMI का ऑफर चल रहा था, तो अपन ने वो भी अपन ने ले लिया। 1,250 रुपये क्रेडिट कार्ड पे ऑफ चल रहा था। और ये रहा अपना बिल जिसमें कि इसकी बेस अमाउंट लिखी है, डिस्काउंट्स जो हमारे जो हुए वहाँ पे वो डिस्काउंट्स यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद में ये अपनी मेन अमाउंट थी 21,300। अब अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर स्पेशली अगर बात करते हैं, तो इसमें अभी तक मैंने इसको जितने दिन अभी जो भी यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ, 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप ये देगा। एसेंशियल से ज़्यादा इसका बैटरी बैकअप है, क्योंकि एसेंशियल में कंपनी ही 6 घंटे क्लेम कर रही है, 6 से 7 घंटे, और इसका कंपनी इसमें क्लेम कर रही है 10 घंटे का बैटरी बैकअप। बट ये 10 नहीं देता है, अगर आप डीप या पंची साउंड अगर आप सुन रहे हो बेस में, तो इसका बैटरी बैकअप आपका आएगा लगभग 6 से 7 घंटे। माइक वगैरह भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा और ड्रेनेज आपका रहेगा।